हमें अब मान लेना चाहिए कि हम एज ए नेशन इनकॉम्पिटेंट है. जब तक हम ये चीज नहीं मानेंगे उस वक्त तक हम लर्न नहीं कर सकते. वैसे हम मिली तरानों के जरिए अपने आप को बड़ा करके प्रेजेंट करें, लेकिन ये हकीकत बात है कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम बहुत पीछे रह गए. प्रॉपर बंदा जो प्रॉपर जॉब के ऊपर होना चाहिए वो नहीं है. एटलीस्ट तीन बड़े जो ओहदे हैं ना, एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा, दूसरा चीफ जस्टिस का ओहदा और तीसरा आर्मी चीफ का ओहदा, इन तीन ओहदों के ऊपर अमीन किस्म के लोग जो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज भी रखते हो और उनके अंदर विल भी हो काम करने की, वो होने चाहिए. निचले वाले मामला फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होंगे, वो अचानक नहीं दुरुस्त होते. मैं तो इस मिथ को बिल्कुल नहीं मानता कि ऊपर कोई सही बंदा आ जाए तो नीचे सब कुछ सही हो जाएगा. ऐसे हो ही नहीं सकता. नीचे ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर जितनी खराबी है उसको ऊपर बैठा हुआ बंदा हल नहीं कर सकता. वो सिर्फ कानून बना सकता है, थोड़ी सजाएं सख्त कर सकता है, लेकिन वो नीचे तक उसके असरात पहुंचते हुए काफी टाइम लगता है. लेकिन तरीका यही है कि ऊपर से रूल्स बन के और मामला आस्ता आस्ता चलने चाहिए, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता. यहां पर हर कोई मीडिया में इन रहने की कोशिश करता है, पावर को अपने हाथ में रखने की कोशिश करता है. पहले पाकिस्तान में सिर्फ ताकत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास थी और मौलवी उनके अलाकार हुआ करते थे, एक दूसरे के बेनिफिशरी हुआ करते थे. फिर जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बाद अदालतें जरा डोमिनेंट होकर सामने आई तो अब मुल्क में दो पावर्स हैं, एक अदलिया और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट, और ये आपस में एक दूसरे को फायदा भी पहुंचाते हैं और बाज़ुकात अपने मुफादात की खातिर एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं और हम खामखा खुश हो रहे होते हैं कि ये डिसीजन हो गया, वो हो गया, हालांकि ये अपने मुफादात को ही देख के चल रहे होते हैं. लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर तो असल ताकत तो अवाम के पास होनी चाहिए. लेकिन मैं डेमोक्रेसी वो बात कर रहा हूं जो इस्लामिक डेमोक्रेसी है कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर, वो कुफर वाली डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा. ये मैं वो बात कर रहा हूं जो अमरुहुम शूरा बैनहुम कुरान में है, मुसलमानों के आपस के मामलात मशवरे से तय होंगे हलाल के दायरे के अंदर. हराम के मामले में ना तो कोई वोटिंग होगी ना किसी का डिसीजन होगा, वो कुरान और सुन्नत को फाइनल अथॉरिटी माना जाएगा. तो वहां पर पार्लियामेंट को एक सुप्रीम होना चाहिए, लेकिन वो पार्लियामेंट आपके सामने है जो बड़े डेमोक्रेसी के चैंपियंस थे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जो अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि हम डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं, वोट को इज्जत दो और इस किस्म के सारे नारे लगाते थे, वो आके अब जस्टिफाई कर रहे हैं वो तमाम एक्टिविटीज के जो नहीं होनी चाहिए मुल्क के अंदर. और वो कह रहे हैं चूंकि 9 मई हुआ है लिहाजा अब वो बिल्कुल हाथ धर के साइड पे बैठ गए हैं और उन्होंने मामला दूसरों के सुपुर्द कर दिए. ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती. जब तक ये लोग अपोजिशन में थे उस वक्त बबांगे दौल कहते थे कि अगर हमें कभी मौका मिला तो हम खान साहब के साथ ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक एक करके वो सारी की सारी चीज़ें होती भी आपको नजर आ रही हैं. अदालतें भी किस तरह मैनेज हो रही हैं वो भी आपको नजर आ रहा है और किस तरीके से मामलात को बिगाड़ा जा रहा है उसमें खान साहब का भी कसूर है. और हम उनको उस वक्त भी समझा रहे थे कि आप पॉलिटिशियंस के साथ बैठे, अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं पॉलिटिशियंस ने ही आपको बेनिफिट पहुंचाना है. जिन लोगों के साथ आप उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं उन्होंने आपके कोई काम नहीं आना, क्योंकि वो हर जमाने में टिश्यू पेपर की तरह लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन इन्हें नहीं समझ आ रही थी उस वक्त, जुलाई में इलेक्शन मिल चुके थे, बस सिर्फ खान साहब को जो लोग फूंक चढ़ाने वाले थे उनमें से एक तोहफा हमारे जेलम शहर का भी था जो सबसे पहले छोड़ गया और वो इस तरह की रूड लैंग्वेज यूज करता था जलसों में. और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये आपको मरवाएगा, ये रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है, इस तरीके से गुफ्तगू कोई भी पसंद नहीं करता, सीधी सी बात है. तो वो देखें, वो सबसे पहले हटा और जिसने सारी की सारी ये फूंक चढ़ाई थी कि ये देखी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो आपके सामने है, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई. जब बुरा वक्त आता है ना तो वो कहते हैं साया भी साथ छोड़ जाता है. हाँ, आप अच्छी काज के लिए अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज ना करते हुए अच्छे तरीके से चलें, फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई तकदीर गालिब आ जाए जिस तरह हुसैन इब्न अली के साथ हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, तो उस पर तो फिर सब्र आ जाता है. लेकिन जब आप गलत मामलात को गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हुए चलें, फिर जाहिर है कि आपके साथ कोई इस तरह की हमदर्दी वाला लेवल पे जाके हम हमदर्दी नहीं कर सकते, सवाय इसके कि हम आपके मुखालफीन को ये समझाएं कि जो कुछ आपके साथ हुआ था वो कुछ आप अपने मुखालफीन के साथ ना करें.